एक्चुअली मेरा पहला सिंगल आया था लास्ट ईयर जिसका नाम था साजनी मराठा मराठी सिंगल था पहला वाला और लोगों को बहुत पसंद आया यूट्यूब पे बहुत चर्चित हो गया और उसके बाद मैंने और और एक मराठी गाना मैंने फिर से एक कम्पोज़ किया उसके बाद रवि यादव ने इसके लिरिक्स लिखे हैं और ये वीडियो बनाया है सुनीति का साथ रहा मिस्टर शाहरुख खान का साथ रहा तो बहुत खुशी का मौका है क्योंकि ये वीडियो अभी फ़िलहाल एटी व्यूज़ ऑन यूट्यूब इन अबाउट फाइव डेज तो इट्स अ गुड फीलिंग बहुत अलग अलग देशों से uh, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं uh -huh. जैसे इजराइल साउथ अफ्रीका सिंगापोर ऑस्ट्रेलिया और खुशी हो रही है कि जो भाषा बहुत कम लोग समझते हैं uh -huh. जितने महाराष्ट्र में जितने लोग वो तो समझते ही है uh -huh. लेकिन बाहर के लोग जो जिन्होंने कभी मराठी शब्द नहीं सुने या मराठी गाने नहीं सुने uh -huh. वो पसंद कर रहे हैं तो इट्स अ गुड फीलिंग एक्सपेरिमेंट uh, तो मैं बॉलीवुड में भी करता हूँ लेकिन ये ये खुद की एक एक्सप्रेशन है ये मेरे जो मेरा जो ये सिंगल है सावली और उसके पहले जो आया साजनी वो खुद का एक एक्सप्रेशन है खुद की एक बात है और एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला कि ये मेरी धुन थी कोई प्रोड्यूसर uh, नहीं है कोई डायरेक्टर uh, नहीं है कोई स्क्रिप्ट नहीं है कोई सिचुएशन नहीं है नहीं। uh, मैं खुद कुछ भी बना सकता हूँ ये तो एक ऐसी एक फ्रीडम महसूस हुई मुझे mm -hmm. कि uh, मैंने सो, सोचा कि यू नो वाई नॉट ट्राई लैंग्वेज विच हैव नेवर ट्राइड बिफोर थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ मैं मराठी लेकिन शुद्ध मराठी जो होती है mm -hmm. वो कभी मैं मैंने कोशिश नहीं की बोलने की या, या गाने की और इस गाने के द्वारा लोग सुनेंगे मेरी शुद्ध मराठी जब सिंगल्स मैंने करने की शुरुआत की mm -hmm. तब मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि इसका क्या होगा mm -hmm. मैंने खुद के लिए बनाया एक आर्टिस्ट जो होता है कभी एक पेंटिंग बनाता है अपने लिए कभी पेंटिंग बनाता है दूसरों के लिए तो मैंने दूसरों के लिए पेंटिंग बना दी और मैं बना भी रहा हूँ दूसरों के लिए मैंने एक दो पेंटिंग अपने लिए बना दी तो यही इसका डिस्क्रिप्शन है एक्टिंग के बारे में मैंने सोचा भी नहीं अब तक नहीं। और अभी फिलहाल तो मेरे गाने हैं पहला मराठी गाना साजनी दूसरा मराठी गाना सावली उसके बाद आएगा तमिल गाना उसके बाद आएगा बंगाली उसके बाद मलयालम लेकिन उसके बाद हिंदी एक बहुत अजीब सा हिंदी गाना आएगा तो ये मैंने सोचा है देखते हैं कब पूरा हो और कब रिलीज़ हो और कब आप लोग तक पहुँचे